जनपद मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र के ग्राम मैनपुरी भोगांव रोड की घटना। तेज रफ्तार टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों को कुचल डाला। हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरे मामले के अनुसार एलाऊ थाना क्षेत्र के ग्राम अर्जुनपुर गड़ी निवासी तीन युवक सोनू, राम कुमार और विपिन एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर मैनपुरी किसी काम से आए थे, जिसके बाद वो काम खत्म करके भोगांव जा रहे थे। जैसे ही वो मैनपुरी भोगांव रोड पर पहुंचे, तभी सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार टैंकर ने उनको कुचल दिया। ये इधर से जा रहे थे मैनपुरी से। किससे जा रहे थे? पल्सर मोटरसाइकिल से, उधर से टैंकर आ रहा। जैसे ये पावर हाउस पर पहुंचे हैं, वैसे उनका एक्सीडेंट ओवरटेक के चक्कर में ये उछल के गए आगे, और उनके साथ उनके जो दो साथी थे वो आगे आ रहे। कितने लोगों की मौत हुई? दो लोगों की मौत हो गई ऑन स्पॉट। ये इंजर्ड घायल है, क्या स्थिति है? इनका शोल्डर में फूट गया और अंदर अंदरूनी चोट हो। क्या कैसे ये एक्सीडेंट हुआ? ये लोग कहाँ से आ रहे थे? किस पे ये लोग थे? ये बाइक पे थे। हाँ, कितने लोग थे? तीन लोग थे। फिर क्या हुआ? ये कहीं गए होंगे रास्ते में, हो गया एक्सीडेंट। किसने किया? क्या कौन सा वाहन था? हमें ये फल जानकारी नहीं, मैं घर से आ रहा हूँ। हाँ, बता नहीं सकता हूँ कौन सा वाहन था। कितने लोगों की मौत हो गई मौके पे? मौके दो लोगों की डेथ हो गई और एक लोग जो था वो। टीवी 100 के लिए राजमोहन सिंह की रिपोर्ट। ठीक लग रही है, लेकिन अभी कुछ बताया नहीं जा सकता।